मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं। दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह दो दिन से आपका अटैक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं।